उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं इसमें करंट सेम होती है एक बात याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो सेम होती है आई जो है ये सेम रहेगी लेकिन वोल्टेज जो है ये आर पे भी अलग है आर टू पर भी अलग है आर थ्री पे भी अलग है, है। यानी कि वोल्टेज जो होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है वो डिफरेंट होती है लेकिन करंट जो होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होती है अब इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो अगर वी इक्विवेलेंट वी निकाल लें यानी कि टोटल वी निकाल लें इक्विवेलेंट उसको कहते हैं तो वी हम क्या निकालेंगे कि भाई वी वन वी टू प्लस v3 इस पे भी v लग रहा है इस पे भी v लग रहा है इसको भी v लग रहा है क्योंकि इन तीनों पे v डिफरेंट है सेम भी नहीं है डिफरेंट भी है तो v1 प्लस, v2 प्लस, v3 कर देंगे तो हम लोग को टोटल v जो है वो मिल जाएगा अब इसके बाद जो r इक्विवेलेंट ये आप लोग को क्वेश्चन बहुत ज्यादा निकालना रहेगा क्या r इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट